आज की डेट में हम बात करेंगे रिलायंस पावर की। आज की डेट में रिलायंस पावर ने फाइनली ब्रेकआउट दे दिया है और उसके साथ साथ 3% के ऊपर का धमाका। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। हालांकि आखिर में छोटा मोटा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है मार्केट की गिरावट के साथ, लेकिन स्टॉक ब्रेकआउट दे चुका है इस लेवल को। लगातार कुछ दिनों से 15 रुपये 40 पैसे 50 पैसे के लेवल से स्टॉक रिजेक्शन ले रहा था, आज की डेट में फाइनली ब्रेकआउट हो चुका है। और इससे पहले लगातार स्टॉक 17 रुपये 50 पैसे के लेवल से डाउन ट्रेंड में था और अभी ट्रेंड है पॉजिटिव। छोटी मोटी गिरावट फिर ब्रेकआउट, छोटा मोटा गिरावट फिर ब्रेकआउट, तो अभी और अपसाइड दिखा सकता है। अगर आपने ख़रीदारी की हुई है तो ये जो लेवल है नीचे की ओर सपोर्ट का काम। छोटा मोटा स्वेलिंग प्रेशर आता भी है तो 15 रुपये 50 पैसे के लेवल से आपको बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो अभी टारगेट की बात की जाए तो पहला टारगेट है कल की डेट में 16 रुपये 40 पैसे का जंप आ सकता है। अगर इसको ब्रेकआउट हो गया तो फिर 17 रुपये से लेकर आपको 17 रुपये 40 पैसे तक के टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन ये रिसेंट है, जहाँ से इससे पहले सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था, इसको ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर ऐसी सूरत में आपको 20 तक के लेवल रिलायंस पावर दिखा सकता है।